वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज हमारे सामने खड़ी है हीरो की तरफ से आने वाली वीडा V1 प्लस। ये हमारे पास वाइट कलर में अभी खड़ी है सामने। ये देख सकते हैं आप, इसके कुछ प्रोफाइल ऐसे हैं। फ्रंट से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके फुल्ली डिटेल, वीडियो के प्राइसिंग के बारे में, मोटर के बारे में, बैटरी पिकअप के बारे में, बूट स्पेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। कितनी एक बार फुली चार्ज होने में कितने किलोमीटर चल जाते हैं, क्या इसकी रेंज रहने वाली है, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो पे तक ज़रूर देखना और चैनल पे बने रहिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देखा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी वीडियो आपको और देखने को मिलेगी। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो कुछ इस प्रकार आपको लेकिन यहाँ पे वाइजर देखने को मिलता है। LED में टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं हेजार्ड सिस्टम के साथ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चल्लू करके रख रखा है। अब अगर नीचे की तरफ बात करें ना तो यहाँ पे आपको क्रोम में वीडा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे बैक मैट ब्लैक में आपको यहाँ पे गार्निश देखने को मिलेगी दोनों तरफ, और वाइट कलर जो कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर कलर में आपको तीन कॉम्बिनेशन है ना, इसका तीन कलर ऑप्शन में रहेगा, वाइट, सिल्वर और ये ब्लैक मैट, ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको अगर इसका सिल्वर कलर में आपको इसका मड़गाड़ देखने को मिलते हैं नीचे की तरफ, और ब्लैक कलर के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। इसमें डिस्क ब्रेक आपको ऑफर किए जाते हैं, बाइक में आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो अगर मैं इसका आपका टायर साइज़ दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं 90/90 R 12 inches के इसमें आपको अलॉयबल देखने को मिलते हैं डायमंड कट, जैसे कि आप देख सकते हैं 8 spokes इसमें आपको अलॉयबल देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की तो कुछ इस प्रकार आपको इसमें साइड प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे वीडा V1 प्लस की इसमें आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी सिल्वर कलर में, प्लस ये इसका प्लस वेरियंट है, इससे एक और ऊपर वेरियंट आता है वो है प्रो इसका। अगर साइड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे पिलियन के लिए आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ की भी बात करेंगे अभी, पहले पीछे के टायर की बात कर लेते हैं, जो कि आपको रियर व्यू व्हील देखने को मिलता है जो कि 12 inches का रहने वाला है ये भी। अगर इसके मोटर की बात करें पीछे की तरफ तो इसकी जो मोटर है वो पावर 6 kW की इसमें पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि EMSM पावर मतलब टाइप की इसकी बैटरी इसमें लगी हुई आती है। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन इसमें आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलता है। ये जो मोटर है ना ये फुल्ली कवर्ड है ना, वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है, तो इसकी आपको कोई चिंता नहीं लेनी है। और यहाँ पर भी आपको पिलियन के लिए वो ड्रेस देखने को मिलता है, साइड स्टैंड और मेन स्टैंड, इसमें आपको दोनों स्टैंड देखने को मिलते हैं। अगर फुट रेस्ट की बात करें यहाँ पे तो ये आपको देखिए डिसेंट सा स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मीटर कंसोल की इसकी बात करें तो कुछ इस प्रकार इसका मीटर कंसोल देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपको साइड रियर व्यू मिरर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो इधर पास हाई बीम लो बीम वो पास का स्विच देखने को मिलता है। ये इनसे आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लच हैजार्ड लैंप का स्विच, इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पे हॉर्न का स्विच आपको, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हॉर्न का स्विच इसमें आपको देखने को मिलता है। अगर इस तरफ की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे मोड, ठीक है ना, ये इंजन कुल स्विच और ये पार्किंग, मतलब कि रिवर्स में भी स्कूटर जा सकता है और फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे और गाइस इसमें आपको यहाँ पे SOS का यहाँ पे फंक्शन देखने को मिलता है, जो भी इस स्कूटर को मतलब जो भी इसका ओनर होगा उसके कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे अगर कोई इमरजेंसी होगी या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में अगर जो भी इस स्कूटर को लेके आएगा उस SOS फंक्शन को दबा के जिनके भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाले होंगे उनके पास SMS या कॉल चला जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे सेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे थ्रोटल ब्रेक, ठीक है। अब इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें 7 inches का कलरफुल TFD डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलता है, ओके। और यहाँ पे वीडा की ब्रांडिंग, अब सबसे पहले इस डिस्प्ले की बात करें तो ये मल्टीपल इसमें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ये
मोटर अभी ऑफ है, तो ये अभी ऑफ दिखा रहा है, रेंज दिखा रहा है इसमें 91 की, ठीक है। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है कितनी बैटरी इसमें अभी परसेंटेज अभी बाकी है, ओके। और यहाँ पे मोड दिखा रहा है, इसमें आपको चार मोड देखने को मिलते हैं, ईको, और आप ये जो मोड वाला बटन देख रहे हैं ना, इससे आप इनमें मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे ईको दिखा रहा है यहाँ पे, अभी मोटर ऑफ दिखा रहा है, तो वो चालू कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक स्विच देखने को मिलेगा सेट, अगर आप ब्रेक प्रेस करके या तो इधर फ्रंट का या फिर बैक का, दोनों में से कोई सा भी ब्रेक प्रेस करके आप मोटर को ऑन कर सकते हैं। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रेक प्रेस करा और ये इस बटन को दबाया, तो आप देख सकते हैं ये तुरंत चलो मोटर ऑन हो गई, ठीक है। इसमें दिखा रहा हूँ मोटर ऑन। अब अगर मोड की बात करें तो ये अभी पार्किंग में खड़ी, यहाँ पर भी दिखा रहा और ईगो भी दिखा रहा। अगर मोड चेंज करना है तो आपको ये प्रेस करना होगा, और आप देखना ये राइड मोड आ गया, ठीक है, स्पोर्ट मोड आ गया, और ये कस्टम मोड आ गया। इसमें यानी टोटल फोर मोड इसमें आपको देखने को मिलते हैं, और उस मोड के हिसाब से यहाँ पे रेंज में भी फ़र्क देखने को मिलेगा। जैसे ईको में दिखा रहा है 91, इसमें राइड में दिखा रहा है 68 किलोमीटर चलेगी, और स्पोर्ट में दिखा रहा है 60 किलोमीटर, और कस्टम में भी 60 किलोमीटर ही दिखा रहा है, ठीक है गाइस। ये हो गया, अब यहाँ पे आपको डेट भी दिखाएगा, हर चीज़ दिखाएगा। और अगर बात करें इसके, ठीक है गाइस, अगर आप जैसे आपको ये देखिए फिर से मोटर ऑफ हो गया, अगर आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मोटर ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे डेट वेट ये सब दिखा रहा है। अब यहाँ से आप और भी कस्टम कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिप ए दिखा रहा है, और ये एवरेज स्पीड दिखा रहा है, और ये ऑडोमीटर के ये दिखा रहा है, ठीक है भाई। ट्रिप भी दिखा रहा है कि कितने ट्रिप भी जैसे आप सेट करोगे ना, तो कितने किलोमीटर चली, कितने घंटे चली, और कितने मिनट चली, ये भी दिखाएगा, ठीक है। रेंज कितनी चली थी, और यहाँ पे नेविगेशन आने की, इसमें आपको ब्लू कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके यहाँ पे मैप भी लगा सकते हैं, और जैसे यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन दिखेगा, तो अगर आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपको डिस्प्ले के, आपको अगर डार्क करनी, डार्क ऑटो, ये ब्राइटनेस, ठीक है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए माई स्कूटर में, इसमें बूट स्पेस, ये कस्टम, ये ऑडियो, और यहाँ से फिर से आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना गाइस। अब अगर इसका हम बूट स्पेस और रियर व्यू की बात करेंगे, तो सबसे पहले, ठीक है ना गाइस, ये था इसके रियर व्यू की बात करें, तो कुछ इस प्रकार से आपको रियर व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लैक कलर में ये पीछे का ये देखने को मिलता है, वीडा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है क्रोम में। हेडलाइट की बात करें तो इसमें LED हेडलाइट देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट्स के लिए लाइट भी देखने को मिलती है, ओके। यहाँ पे इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर LED में ही है, और ये मडगार्ड कुछ इस प्रकार है, अच्छा खासा बड़ा मडगार्ड है, ठीक है। अब अगर इसके बूट स्पेस की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ की बात कर लेते, ठीक है ना गाइस। तो आपको इसमें यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, ठीक है ना, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, USB, इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे 3 kg तक के आप बैग मैक्सिमम कुछ भी आप यहाँ पे टाक सकते हैं, और यहाँ पे आपको लॉक की और बूट की ये ओपनिंग के लिए देखने को मिलता है, तो कुछ इस प्रकार है, देखिए आप। और अगर मैं उस तरफ से दिखाऊँ आपको, तो आपको इसमें यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, जो कि 0 to 100 चार्ज होने में ये 5 घंटे का टाइम लगाती है। अगर बात करें इसकी बूट स्पेस की, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और की से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको ये ट्विस्ट प्लेट सीट देखने को मिलती है, और ये देखिए कुछ इस प्रकार इसका बूट स्पेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी 6 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। और इसके नीचे ना गाइस बैटरी है, जो कि सर हम भी दिखाएंगे, और ये इसका चार्जिंग है, जो कि आप घर में लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से प्लग दे रखा है, जो कि आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फुल साइज हेलमेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर बैटरी की बात करें तो इसमें लिथियम आयन बैटरी इसमें आपको देखने को मिलती है, जो कि इसमें 2 बैटरी अंदर की तरफ है, तो ये लिथियम आयन इसमें बैटरी देखने को मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 3.44 किलोवाट की इसमें आपको बैटरी देखने को मिलती है, दो बैटरी इसमें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि सन्ना अभी दिखाया। और इन बैटरी को आप डिस्पैच करके, अगर आपको घर पे ले जाके चार्ज करनी, तो आप यहाँ से हटा के वो बैटरी निकाल सकते हैं इसे, और यहीं से ये चार्जर लग के यहाँ से भी चार्ज हो जाएगा,
ठीक है गाइस, के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको चलाते हैं। 143 की इसमें आपको रेंज निकाल के देगी। अगर फिर से अगर मोटर के तो ये था वीटा की V1 प्लस का रिव्यू, डिटेल रिव्यू। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर पहली बार वीडियो देखी है तो लाइक भी कर देना वीडियो को, अच्छी लगी ऐसी वीडियोस और आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको देखें, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की भी अटैचमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि हाई स्पीड व्हीकल है वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।